आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 131 मध्यकालीन हिंदी कविता, जिसमें आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 7 रहेगा। इससे पहले भी मैंने 6 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, आप लोग उन वीडियो को भी जाकर के चैनल पर जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 क्या है, राम भक्ति काव्य धारा। अगर मैं बात करूं कि भक्ति आंदोलन में अगर आप देखेंगे जो सगुण भक्ति है, ठीक है, जो सगुण भक्ति है, सगुण मीन्स होता है कि जब आप अपने भगवान को किसी आत्मा में, किसी आत्मा परमात्मा मीन्स होता कि आप अपने भगवान को किसी मूर्ति में, किसी दिव्यात्मा में, किसी महापुरुष में जब आप देखते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सगुण भक्ति। और सगुण भक्ति दो प्रकार की है। इससे पहले हमने जो 6ठा चैप्टर पढ़ा था उसको हमने पढ़ा था राम भक्ति और सॉरी कृष्ण भक्ति पढ़ा था 6ठा चैप्टर। और 7वां जो आज का हमको चैप्टर पढ़ना है वो है राम भक्ति। राम भक्ति मीन्स होता है कि भक्ति आंदोलन में जिन संतों ने भगवान राम की भक्ति की है या भगवान राम को ही अपना आराध्य माना है। एक चीज मैं बता दूं कि राम भक्ति जो है वह सगुण में भी है, निर्गुण भी है। अब मैं एग्जांपल देकर के बताता हूं। तुलसीदास जो है, ध्यान सुनना क्या बोल कह रहा हूं, तुलसीदास जो है ये अगर आप देखोगे तो सगुण भक्ति करते हैं भाई, क्योंकि भगवान राम की पूजा करते हैं भाई, भगवान राम को अपना देवता मानते हैं, और तुलसीदास तो इनसे बड़ा कोई राम भक्ति में कोई है नहीं। तो तुलसीदास सगुण भक्ति करते हैं लेकिन राम भक्ति में आ जाते हैं। उसी प्रकार से कबीर हैं, कबीर भी राम की भक्ति करते हैं लेकिन कबीर कहते हैं कि मैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम यानी कौशल्या, या कह सकती कि कौशल्या या दशरथ नंदन राम की बात नहीं करता हूँ, मैं राम के राम की बात कर रहा हूँ। तो जो राम भक्ति है वह सगुण में भी है और निर्गुण में भी है। वैसे सगुण भक्ति ही मानी जाती है जो राम भक्ति काव्य धारा है, बट कुछ निर्गुण भक्ति के संतों पर भी राम भक्ति का प्रभाव है, यानी राम का नाम ही इतना ज्यादा कह सकते हो कि है कि वह सगुण भक्ति आंदोलन के संतों में रहा। और साथ साथ जो निर्गुण भक्ति के संत हैं उन संतों को भी कह सकते हो, उन कवियों को भी इसने अपने साथ रखा है जो राम भक्ति है, ठीक है। राम भक्ति का मतलब था भगवान राम की जिन संतों ने भक्ति की, उनके भजन गाए और उनके भाई जो चीज है, अगर हम तुलसीदास की बात, सबसे बड़ा नाम तुलसीदास राम भक्ति में कह सकते हो कि कह सकते हैं एक प्रकार से ये सबसे बड़ा नाम, जैसे अगर आप हिंदी कविता बोलते हो कि प्रेमचंद का सबसे बड़ा नाम है, उसी प्रकार से राम भक्ति में तुलसीदास। निर्गुण में हमने मैंने बोला था कबीर है सबसे बड़े नाम है, ठीक है। कृष्ण भक्ति में जैसे मैंने बोला कि मीराबाई है, ठीक है, उसी प्रकार से राम भक्ति में तुलसीदास। और दूसरे इनके हैं रामानंद, दो लोगों का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास और रामानंद। रामानंद तुलसीदास के गुरु हैं, ठीक है, और कह सकते तुलसीदास का नाम बहुत फेमस है। अरे तुलसीदास वही जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, ठीक है, हनुमान चालीसा किसने लिखा, वो तुलसीदास ने ही लिख रखा है, ठीक है। देखो इसमें हमारा रहेगा 7.2 क्या है, भक्ति आंदोलन और सगुण भक्ति में राम भक्ति। भाई भक्ति आंदोलन में राम भक्ति, और राम भक्ति भैया उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में कैसे राम भक्ति का भी बोलबाला है, ठीक है, लेकिन साथ में कृष्ण भक्ति भी है, ठीक है। तो राम भक्ति कैसे रही देखिएगा। दूसरा, सगुण भक्ति की धारा में राम को लोक नायक माना गया है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम लोक नायक माना गया है। अगर आप सगुण भक्ति में देखोगे राम भक्ति का निरूपण है, ठीक है, सगुण काव्य में भाव सौंदर्य कैसे राम भक्ति को लेकर के। तो क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे 7.2, 7.3, 7.4 और 7.5, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको राम भक्ति को लेकर के आएगा यही सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो भक्ति आंदोलन और सगुण भक्ति धारा क्या है, तो राम भक्ति साहित्य का विकास है। देखो राम भक्ति जो है वो कहां से है, देखिएगा संस्कृत में भी है राम भक्ति। देखो संस्कृत साहित्य में राम काव्य परंपरा का अध्ययन सुविधा की दृष्टि से 3 मार्गों ने विभक्त किया। यानी देखो जो राम भक्ति है ना, वो अगर जिस राम भक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं भाई मेरे, वह राम भक्ति ना संस्कृत में रही, क्योंकि आप सबको पता होगा कि भाई पहले के समय में हिंदी तो थी नहीं और एक राम भक्ति काफी पहले हो रही थी, तो वहां पर संस्कृत साहित्य में राम भक्ति हम लोगों को देखने को मिलती है। और संस्कृत साहित्य में कहां पर, यानी संस्कृत किताबों में, जैसे पुराण में भी राम भक्ति है,
और हमारे जो राम काव्य हैं और जो हमारे नाटक हैं उनमें भी, नाटकों में राम की भक्ति है, प्रबंधन काव्य में राम की भक्ति है, और हमारे जो पुराण है, पुराण कितने 18 सुना भी होगा तुमने भाई, 18 पुराण है तो उसमें भी राम भक्ति है। पुराणों में राम काव्य कैसे, देखो पुराण साहित्य में वाल्मीकि रामायण, या आप सबने सुना होगा कि रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिख रखा ना, क्या है का स्रोत माना जाता है पुराणों में, जो वाल्मीकि रामायण है वह कह सकते कि भाई पुराण में माना जाता है, और कह सकते कि रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा है। देखो सुनो, रामायण जो है वह संस्कृत भाषा में है, लेकिन जो तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, क्या लिखा जी रामचरितमानस, वो अवधी भाषा में गया, ठीक है, क्योंकि ये कह सकते कि वहां की अयोध्या की रीजनल लैंग्वेज चला गया, भाषा क्या रही उसकी अवधी रही, ठीक है। तो यानी क्या, जो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, और पुराण यानी ये कह सकते इसी प्रकार से पुराणों में और संस्कृत में भी राम भक्ति है। इसके रचना काल के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, भैया वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण कब लिखा, इसको लेकर के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है, किसी को पता नहीं है कब लिखा। 11वीं शताब्दी की रचना माने तो डॉक्टर ने इसे छठी, यानी कोई कहता भैया कि रामायण 8वीं शताब्दी में लिखा गया, कोई कहता 6ठी शताब्दी में लिखा गया, कोई कहता 11वीं शताब्दी लिखा गया, किंतु वाल्मीकि रामायण 11वीं और 12वीं शताब्दी की रचना अवश्य है। कहते भैया कि जो वाल्मीकि जिन्होंने, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा वह 11वीं और 12वीं शताब्दी में। वाल्मीकि रामायण में 3 भेद प्राप्त होते हैं, अगर आप दक्षिणा पाठ, गौड़ीय पाठ और पश्चिमतर, गौड़ीय और पश्चिमत पाठ में प्रायः समानता है। वाल्मीकि जो रामायण है उसको कह सकते हो कि वह पुराण परंपरा से आता है, और पुराण परंपरा में रामायण जो वाल्मीकि रामायण है वह राम भक्ति को बताता है। इस इतने विस्तार से राम के चरित्र का अंकन करने वाला कोई ग्रंथ नहीं है, यानी कह सकते कि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने, अरे जिसको बोलते हैं अंगुलीमार, सबने आप सबने नाम सुना होगा कि जो डाकू थे, ठीक है, आप सबने उनकी कहानी सुनी होगी, उसी महर्षि वाल्मीकि की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है, ठीक है भाई, उसमें राम के कैरेक्टर को यानी चरित्र को, चरित्र को, अगर राम का कैरेक्टर, राम का जो चरित्र है वो कहते हैं सबसे बढ़िया, इसे तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, क्या है कि भाई पुरुषों में सबसे उत्तम कौन है, राम है, उनके जैसा भाई नहीं है, उनके जैसा पुत्र नहीं है, उनके जैसा बेटा नहीं, उनके जैसा पति नहीं है, क्या राम के कैरेक्टर को यानी उनके चरित्र का अंकन करने वाला कोई इतना बड़ा ग्रंथ नहीं जो वाल्मीकि रामायण है। प्रचलन की दृष्टि से केवल श्रीमद् भागवत गीता और रामचरित मानस ही वाल्मीकि रामायण की तुलना की जा सकती, भैया वाल्मीकि रामायण से सिर्फ गीता की और रामचरित मानस जो तुलसीदास ने लिखा उसी का कंपैरिजन किया जा सकता है और किसी का नहीं। वाल्मीकि रामायण बाद में राम के चरित्र का आंशिक रूप अव्यक्त करने वाला दूसरा ग्रंथ महाभारत है, यानी कह सकते कि वाल्मीकि जो रामायण है वह कह सकते हो कि इसको बताने में कह सकते ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथों में कह सकते हो इसको माना जा रहा है, अगर हम लोग इसकी बात करें वाल्मीकि रामायण की, ठीक है, अगर हम वाल्मीकि रामायण को देखें। लेकिन अगर मैं वाल्मीकि रामायण की बात करूं उसका मुकाबला सिर्फ महाभारत से, रामचरितमानस से या इन ग्रंथों से ही किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम वाल्मीकि रामायण की मैं बात करूं तो वाल्मीकि रामायण में 700 से ज्यादा श्लोक हैं, कितने से श्लोक हैं जी, 700 से भी एक्स्ट्रा श्लोक वाल्मीकि रामायण में दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ सीता जनक की पुत्री ना भूमि से उत्पन्न हुई कन्या है, ना ही वह ग्रह निषाद और अग्नि से का उल्लेख। देखो वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास की रामायण में बड़ा फर्क है, भाई तुलसीदास ने तो बताया कि सीता तो भाई धरती से निकली हुई है, जमीन से निकली हुई है, वाल्मीकि की रामायण में और तुलसीदास की रामायण में बड़ा फर्क है। वाल्मीकि रामायण में अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ोगे तो वाल्मीकि जी ने सीता का जो, सीता को यानी जो वनवास होता उस घटना को वाल्मीकि ने लिखा, लेकिन तुलसीदास ने नहीं लिखा, ठीक है। तुलसीदास ने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास सीता के, राम भगवान राम सीता को छोड़ रहे थे, इससे ही इतना व्याकुल थे कि उन्होंने उस अध्याय को लिखा ही नहीं, यानी उनको, यानी उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो उसको लिख सके, ठीक है। यानी कह सकते कि वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास की रामायण में बड़ा फर्क है। वाल्मीकि रामायण में अगर आप देखो सीता की अग्नि परीक्षा नहीं होती है, संभावना है कि राम पदस रामायण की मौखिक परंपरा पर आधारित है। यानी अगर आप लोग देखोगे कि महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है और तुलसीदास की जो रामायण है उसमें भाई मेरे बहुत ज्यादा फर्क है,
बहुत ज्यादा हम लोगों को क्या देखने को मिलता है जी, डिफरेंस देखने को मिलता है वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास की रामायण में, अगर मैं बात करूं। ठीक है, ये चीज है। देखो रामायण बहुत प्रकार की लिखी गई है, दक्षिण में कुछ अलग रामायण लिखी गई है, कंबन की रामायण है, तो रामायण अलग अलग प्रकार की है। अगर आप रामायण पर रिसर्च करोगे तुमको पता चलेगा कि किसी किसी रामायण में तो यह तक बताया गया है कि रावण जो है भगवान राम के यजमान बन के उनकी पूजा करवाने तक आता है। जब वो भगवान राम रावण से जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो भाई आप सबको कहानी पता होगी कि वहां पर बीच में समुद्र आ जाता, तो समुद्र देवता की पूजा करने के लिए उन्होंने जो शिवलिंग बनाया है, अगर आप बात करोगे भगवान शंकर की, तो पूजा करने के लिए उन्होंने रावण को ही खुद बुलाया है। तो रामायण कई प्रकार की है। अगर आप देखोगे, आपने रामायण की एक कहानी सुनी है, लेकिन रामायण अलग अलग प्रकार की कहानी में प्रचलित है। इसलिए यहाँ पर एक कह रहे हैं कि भाई वाल्मीकि रामायण जो है और तुलसीदास की जो रामायण, उसमें काफी फर्क है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखो संस्कृत में पुराणों में देखोगे तो वाल्मीकि रामायण सबसे फेमस है। प्रबंधन काव्य क्या है, संस्कृत के जितने काव्य हैं प्रबंधन काव्य की रचना तो प्रायः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। कालिदास की रघुवंशम अलौकिक घटना को भी काव्य सौंदर्य में ढाल करके अभिव्यक्त किया। महाकवि ने राम कथा के साथ साथ व्याकरण के नियमों का भी ध्यान रखा है। इस कृति में कह सकते हैं वैष्णव मत का प्रभाव करते हुए राम को ब्रह्मत्व पूरी तरह से स्पष्ट है। कुमार दास की कृति जानकी हण में रामायण के पहले 6 खंडों की कथा अनुसार के आधार पर है, इसकी पूरी तरह से श्रृंगार है। यानी अगर आप देखोगे प्रबंधन काव्य में, यानी संस्कृत के ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वाल्मीकि रामायण से कह सकते कि बहुत ज्यादा क्या है उसकी जैसे लिखे गए हैं। रामायण मंजरी, दसवां अवतार चरित्रम, ठीक है, यानी रामायण जानकी परिणय, यानी राम को लेकर के, सीता को लेकर के, राम को चरित्र को लेकर के बहुत सारे प्रबंधन काव्य लिखे गए हैं जिसमें राम का बहुत ज्यादा गुणगान किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें नाटकों में, भाई नाटकों में भी अगर आप देखोगे खास तौर से तुलसीदास के बाद, नहीं अगर आप देखो कालिदास के जो नाटक है उसमें भी अगर आप देखो जो रघुवंशम है वो भगवान राम की परंपरा को उन्होंने नाटक लिख रखा है। ठीक है, भास के दूसरे नाटकों में अभिषेक बलिवध से लेकर के राम के राज्याभिषेक की घटना, भास है एक कवि है, भास नाम है, उसने भगवान राम जब राजा बनते राज्याभिषेक होता है और जब बलि का वध होता है और राम के राज्याभिषेक तक कहानी को लिखता है। ठीक है, यानी नाटकों में भी कई सारे नाटक जो हैं वह भगवान राम के आधार बना करके, अगर आप देखोगे जैसे खास तौर से अगर मैं बात करूं ऐसे बहुत सारे नाटक हैं, जैसे अगर आप जयदेव की कृति है, जयदेव ने उल्लास राघव है, या मैथिली कल्याण है, राम भद्र है, जानकी परिणय है, ये ऐसे नाटक है जिसमें राम के चरित्र को साहित्यिक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। यानी भगवान राम को लेकर के नाटकों में, पुराणों में, ठीक है, या प्रबंधन काव्यों में भगवान राम को लेकर के नाटक भी खूब लिखे गए हैं। संस्कृत में अगर आप देखोगे पुराणों में भगवान राम की कहानी है, तो भगवान राम की अगर मैं बात करूं तो हर जगह पर उनको लेकर के सबने खूब लिखा है। पाली भाषा, एक समय भाई हमारे देश में पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषा थी, यानी बौद्ध, जब हमारे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और जैन धर्म का, उस समय हमारे देश में कौन सी भाषा, पाली। अगर आप इतिहास में देखो 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में ना हमारे यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी तो बहुत लेट भाषा आई है। ठीक है, जिसको हम खड़ी हिंदी आज बोल रहे हैं, जो हम जिस भाषा में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले भाषा क्या थी, पाली और प्राकृत। प्राकृत यानी भाषा का जो नेचुरल रूप था, पाली और अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी निकली है, यानी भाषा का जो मिक्स रूप होता है उसी को बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं अपभ्रंश। ठीक है, बौद्ध जातक यानी बौद्ध कथाओं में अगर उसमें देखें तो उसमें भी राम कथा है। इसके बाद प्राकृत में जैन कवियों ने भी राम की कथा को ग्रहण किया है। इसमें सर्वप्रथम विमल सूर के रचयिता उमांग परिणय का उल्लेख है। यानी अगर आप देखोगे बौद्ध ग्रंथों में भी, जैन ग्रंथों में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें रामायण और भगवान राम की कहानी हमको देखने को मिलती है। यानी अगर आप देखो पूरी भारतीय परंपरा में भगवान राम जो है उनकी कहानी जो है आपको हर जगह पर आपको दिखाई देगी, वो चाहे जैन 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 में पाली हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, सुरसैनी हो, सभी भाषाओं में हमें भगवान राम की कहानी, शिखंडी को लेकर के जो वासुदेव हंडी शिखंडी और तमाम तरह की जो कहानियां भगवान राम को लेकर के, वो हमें देखने को मिलती है।
और अगर हिंदी में हम बात करें, हिंदी में सगुण राम काव्य परंपरा क्या, देखिएगा हिंदी में राम काव्य की कथा वस्तु का स्रोत संस्कृत के राम काव्य परंपरा के कथानुसार खास करके वाल्मीकि। देखो हिंदी में अगर आप लोग आओगे तो राम की कहानी जो है उसके लिए सबसे फेमस है वाल्मीकि जी की रामायण, ठीक है। लेकिन भक्ति आंदोलन में राम भक्ति कवियों ने इसे युग की सामाजिक राजनीतिक चेतना का निरूपण विकसित किया। भक्ति आंदोलन में जो राम भक्ति है उसका समन्वय मर्यादा सबसे ज्यादा जोर दिया गया। भक्ति आंदोलन में राम की एक खास विशेषता राजनीतिक चेतना, भैया भक्ति आंदोलन की कवियों ने राम को लेकर के खूब लिखा, और किस लिए लिखा, समाज को जगाया जा सके, समाज में राजनीतिक चेतना आए, राजनीतिक पॉलिटिकली रूप से लोग जागरूक हों, इसके लिए कह सकते कि भक्ति आंदोलन में भगवान राम को लेकर के किसने लिखा, तुलसीदास ने। तुलसीदास की कविताओं में हिंदी साहित्य में पहली बार प्रमुखता से राजा के कर, देखो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम किसने बनाया, तुलसीदास कहते हैं कि, और एक राजा के कर्तव्य के बारे में बताते हैं, तुलसीदास कहते हैं कि राम जैसा कोई राजा नहीं है, ठीक है, राम एक आदर्श राज की परिकल्पना है, तुलसी को प्रायः सभी रचनाओं में नैतिकता और मर्यादा का विशेष आग्रह है, और साथ ही राम भक्ति काव्य में अग्रदास, नंभादास, केशवदास ये लोग भी उन्हें, अगर आप देखोगे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम यानी उन जैसी मर्यादा किसी की नहीं है। देखो भाई अपने पिता के कहने से वो अपना घर छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, आज कोई जाएगा नहीं जाएगा ना जी, ठीक है, और जब वो वनवास से लौट करके आते हैं तो कह सकते हो कि जिन्होंने उनको वनवास भेजा था, अगर बात करें हम लोग कैकेय की, तो उनका पैर जाकर के वो सबसे पहले छूते हैं। तो अगर आप देखोगे जो तुलसीदास हैं उन्होंने एक प्रकार से राम को मर्यादा और एक आदर्श राजा के बारे में, एक आदर्श राज की परिकल्पना के बारे में भक्ति आंदोलन में इनको खूब लिया है, और समाज में राजनीतिक चेतना को बताने में कह सकते कि उनकी, या तुलसीदास कह सकते कि हिंदी में कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन में राम भक्ति को लेकर के हिंदी साहित्य में इन्होंने खूब लिखा है, और भगवान राम के कैरेक्टर को इन्होंने राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। मैं बात करूं राम की भक्ति को लेकर के तुलसी के दास के बाद अगले रामानंद है। रामानंद की अगर बात करूं तो इनका समय 1400 से लेकर के 1470 तक है। इनका जन्म काशी में था। किसका भैया, रामानंद का जन्म काशी में। रामानंद वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से शिक्षा ली थी। वर्णाश्रम शिक्षा में आस्था रखते हुए उन्होंने सभी वर्णों को भक्ति मार्ग का अधिकारी माना है। हिंदी में लिखे गए इनके बहुत से पद हैं, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट जनन रघुनाथ कला की, जाके बल गिरिज मोहिकापे रोग सोग जाके, यानी अगर देखो खास तौर से अगर आप देखोगे, देखो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो खास, देखो इसमें जब पूछेगा रामानंद को लेकर के, तो रामानंद को लेकर के आपको यही बताना है कि रामानंद भाई मेरे राम की भक्ति को तो करते हैं लेकिन अपना किसी को भी शिष्य बना लेते हैं, ऐसा नहीं कि जाति धर्म का भेदभाव करते हैं ना, इसको लेकर के यानी आरती या हनुमान की आरती तो करते हैं लेकिन साथ में रघुनाथ की भी आरती, रघुनाथ यानी राम को बेलते हैं, ठीक है, रघुनाथ कौन है भैया, भगवान राम को लेकर के यहाँ कहा जा रहा, ठीक है, अगर यानी हनुमान को राम को, ठीक है, और इसकी बात कीजिए, यानी अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि रामानंद जो हैं वह राम की भक्ति को उन्होंने किया है और भगवान राम को उन्होंने खूब लिखा है, लेकिन साथ ही साथ वो जाति प्रथा के खिलाफ हैं और समाज में छुआछूत के खिलाफ हैं, और उन्होंने जो छोटी जाति के लोग थे या जो दलित जाति के उनको भी अपना क्या बनाया, उन्होंने अपना शिष्य बनाया है, और समाज में कह सकते हैं राम भक्ति को बढ़ाने में, राम भक्ति के प्रचार प्रसार में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, यानी क्या है उनका बड़ा योगदान है। देखो अगर आपको ये लाइन लिखनी है तो आप सिंगल लाइन एक लाइन लिख सकते हैं, पहली वाली लाइन, ऐसे कोई जरूरी नहीं, और देखो कभी भी अगर आपको लाइन लिखनी है, जैसे यहाँ पर एक लाइन आई है, ठीक है, जैसे अगर आप इस लाइन को लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, आरती कीजे हनुमान लला की और दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आप इसको लिख देना और ब्लैक पेन से लिख करके अंडरलाइन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखा जा सकता है लेकिन इस टाइप से लिखने से नंबर ज्यादा मिल सकते हैं, इस चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। राम भक्ति संबंधित इनके पद हैं अलग, एक अगले कवि हैं अग्रदास हैं। देखो इनका जन्म 16वीं शताब्दी में मध्य हुआ है। इन्होंने अपनी कृति में भक्ति भावना के साथ साथ कवित्व का भी सुंदर परिचय दिया, सुंदर पद रचना में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, और इन्होंने राम भजन मंजरी, ठीक है, या पदावली इन्होंने लिखा है, और भगवान राम को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, और लालित पूर्ण इन्होंने प्रयोग किया है,
अग्रदास से ही राम काव्य में रसिक संप्रदाय का आता है। ठीक है, रामा अष्टयम इनके रसिक होने का परिचय मिलता है। यानी अग्रदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने भी क्या भैया किसके की है, राम की भक्ति की है, और भगवान राम को रसिक संप्रदाय का बताते हैं। भगवान राम के प्रेम को लिखा है, किसके प्रेम को लिखा है, भगवान राम के इन्होंने प्रेम को लिखा है, राम भजन मंजरी में या पदावली में। ठीक है, या रसिक होने का ये कौन लिखता, अग्रदास लिखते हैं। और अग्रदास का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ है, और कह सकते हैं इन्होंने राम भक्ति में कई सारी जैसे ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामा अष्टम, उपासना बनवानी, ठीक है, या पदावली, और इन्होंने किस में लिखा है, अग्रदास जी ने ब्रज में लिखा है। अगले कवि है ईश्वरदास। विद्वानों ने ईश्वरदास की कृति सत्यवती कथा के आधार पर इनकी जन्म तिथि 1480 बताई है के आसपास है। इनकी दो कृतियां भरत मिलाप और अंगद पौज है। अंगद वही जो जिन्होंने भाई रावण की सभा में जाकर के पैर रख दिया था और बोला था कि अगर मेरा पैर भरी सभा में कोई उठा देगा तो राम की सेना यहां से लौट जाएगी। और भाई रावण की सभा में भगवान राम का, सॉरी अंगद का पैर, बोल रहा हूँ अंगद का पैर कोई उठा नहीं पाया था। बाद में जब रावण आया था तब उन्होंने अपना पैर उठा लिया, तो बोला था कि हे रावण तुम जाकर के राम के पैर में गिर जाओ, तुमको माफ कर देंगे। तो उसी अंगद की बात, यानी अंगद पौज और भरत मिलाप, ठीक है, ये दो किताबें किसने लिखी है, ईश्वरदास ने लिखी है। ठीक है, ये भी क्या किसकी पूजा करते हैं भैया, अगर आप देखोगे भरत मिलाप का आरंभ राम वन गमन से होता है, जब भगवान राम जंगल को जाते हैं और भरत के आग्रह पर राम भैया घर नहीं लौटते हैं और उनको पनकुटी बना करके निवास करने लग जाते हैं। अंगद पौज में रावण की सभा में अंगद की प्रतिज्ञा की गई है, जब रावण की सभा में जाकर के अंगद अपने पैर को रख देता और सबको चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मेरे पैर को भरी सभा में कोई उठा देगा तो राम की जो सेना है यहाँ से लौट जाएगी सीता को लिए बिना ही। ठीक है, यानी ये दो किताबें उनकी बहुत फेमस है, भरत मिलाप और अंगद पौज। ठीक है, अगले कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नाम राम भक्ति में भाई तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के संबंधित विद्वानों का अत्यधिक मतभेद है। ठीक है, यानी तुलसीदास का जन्म कब हुआ है इसको लेकर के बड़ा मतभेद रहा तुलसीदास का। ठीक है, मूल गोसाई चरित महात्मा रघुवर दास की कृति तुलसी चरित गोस्वामी का जन्म 1554 यानी इनका 1554 लोग कहते हैं और कोई कहता है भैया 1497 माना गया है। ठीक है, तुलसीदास का शिव सिंह सरोज ने इनका जन्म 1583 बताया है, यानी अलग अलग लोग काफी है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म बांदा जिला, बांदा जिला यूपी में पड़ता है। ठीक है, वहां इनका जन्म हुआ था लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भरद्वाज गोस्वामी तुलसीदास के जन्म को एटा जिला का बताते हैं। यानी भैया कोई कहता है इनका जन्म जन्म बांदा में हुआ था और कोई कहता है इनका जन्म एटा में हुआ था। ठीक है, किसको, इनके इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। सबको पता है कि भाई इनके पिता का नाम क्या था, आत्मा राम दुबे, यानी ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है, अगला देखिएगा। अगर मैं तुलसीदास की बात करूं तो तुलसीदास बचपन से विषम परिस्थितियों का जीवन जिया। जैन श्रुति के अनुसार इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। पत्नी के लाज ना आई आपको द्वारे आहू साथ की भावना का, देखो तुलसीदास के बारे में बताया जाता है ना भैया, तुलसीदास की कहानी बड़ी विचित्र कहानी है। ठीक है, अपनी प्रेम पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि ये भाई कि ये चले गए थे उससे मिलने और बहुत बारिश हो रही थी, भारी बारिश में, और इसकी पत्नी ने को एक प्रकार से बड़ा ही गलत शब्द बोला था कि तुमने भगवान राम से भक्ति की होती तो तुमको भगवान पता नहीं कर देते, तुम तो मेरे प्रेम में ही पागल आए गए हो। उसके बाद भाई कह सकते इन्होंने भगवान राम को लेकर के खूब सारी भक्ति और उनके लेकर के खूब लिखा है। और तुलसीदास की अगर बात करूं, तुलसीदास ने राम के करेक्टर को अगर किसने सबसे ज्यादा लिखा है पूरे भारत में, और कह सकते हिंदी में सबसे बड़ा नाम है अगर आप देखोगे तुलसीदास का लेकर के, तुलसीदास ने कह सकते भैया राम को लेकर खूब लिखा है। जैसे उन्होंने दोहावली लिखा, कवित रामायण लिखा, गीतावली, रामचरितमानस तो जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। ठीक है, या विनय पत्रिका, रामलला नेछुन, भगवान राम जब छोटे थे जो गीत गाए जाते उसको बोलते हैं, पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम यानी भगवान राम की शादी के गीत लिखे हैं, या राम बैरायण, और इन्होंने अगर आप देखो राम सताई, संकट मोचन, ठीक है, या ये बहुत सारा हनुमान चालीसा वाले सब इन्होंने ही लिख रखा है। ठीक है,
यानी भगवान राम के ऊपर सबसे ज्यादा किताब लिखने का अगर किसी का नाम जाता है तो वह तुलसीदास को ही जाता है। इन्होंने सबसे ज्यादा लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने, ठीक है। गोस्वामी जी ने एक नागपंथी प्रभाव को नष्ट होते हुए जनमानस की आस्था को राम भक्ति के माध्यम से पल्लवित किया है। और कह सकती कि भारत में राम भक्ति को अगर किसी ने सबसे ज्यादा बढ़ाया है तो भाई तुलसीदास है, तुलसीदास से बड़ा कोई नाम है नहीं, ठीक है। उसके बाद है नंबन दास, ठीक है। इनकी रचना भक्तिमाला रचना काल 1596 माना जाता है। इस आधार पर इनका जन्म 1570 के आसपास ठहरता है, ठीक है। भक्तमाला परंपरा का सूत्रपात किया है और हिंदी के श्रेष्ठ भक्तमाला प्रदान की है। और इन्होंने भी किसकी की, राम की भक्ति की। केशव दास, इनका जन्म 1555 माना जाता है, मृत्यु 1617, ठीक है। ओरछा के राजा महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत की सभा में पंडिता के कारण इन्हें अतिशय सम्मान था। इनकी कृति कवि प्रिय, रसिक प्रिय, वीर सिंह चरित, रामचंद्रिका, विज्ञान गति, रतन वाणी, ठीक है, जहांगीर, जस चंद्रिका, इन्होंने कई सारे किताबें लिखी हैं। और एक जो केशव दास हैं यह भी भगवान राम की भक्ति करते थे और उसको लेकर के इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। और है नरहरिदास, नरहरिदास जो है ये भी राम की भक्ति करते हैं। राम को लेकर के इन्होंने कविता, सवैया, सोरठा, इस प्रकार की इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं, जिसमें कह सकते हैं इन्होंने रामायण महानाटक, महानाटक राम रासो या हनुमान नाटकम, अवध मिला, अवध मिला विलास भी इन्होंने लिखा है राम को लेकर के। तो भगवान राम को लेकर के कौन कौन से लोगों ने लिखा है सारा यहाँ पर बताया गया है। अगला देखेगा सगुण भक्ति में राम भक्ति का संबंध। भाई सगुण भक्ति में कह सकते हैं राम भक्ति सबसे बड़ी है। समन्वय का अर्थ है नियमित क्रम या संयोग या पारस्परिक संबंध, वस्तुतः परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली वस्तुओं की बातों का पारस्परिक संबंध। देखो राम भक्ति की अगर मैं बात करूं तो भैया मेरे राम भक्ति जो है वह सगुण भक्ति में जोड़ती है, ठीक है। राम भक्ति की बात करें, समन्वय भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता, समन्वय का मतलब मेल जोल, समन्वय को भैया क्या होता है भाई मेरे मेल जोल, मेल मिला। तो सगुण भक्ति में कह सकते एक प्रकार से जो राम भक्ति है मिल गई है। राम काव्य धारा का समन्वय तुलसी ने ही किया है, तुलसीदास, इन्होंने ही आदर्श को रामचरितमानस के अनेक दृष्टियों से रूपित किया है। द्वैत और अद्वैत के बीच समन्वय को तुलसी ने अवतारवाद की माना है। देखो तुलसीदास कहते हैं भैया मैं अवतार को मानता हूँ, क्योंकि भगवान राम को जितने लोग मानते हैं सभी का अवतारवाद में विश्वास है। और तुलसीदास कह सकते हैं इन्होंने राम भक्ति को भक्ति आंदोलन में कह सकते हैं इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का यह विवाद क्रमशः दर्शन और भक्ति के क्षेत्रों में विद्यमान है को समाप्त करने के लिए उन्होंने राम को बार बार निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में अभिव्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने इन्हें दोनों रूपों को अभेद भी किया, यानी राम के सगुण को यानी सगुण भक्ति को और निर्गुण भक्ति को दोनों का समन्वय हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी राम जो है वह सगुण भक्ति के संतों में भी दिखाई देते हैं, यानी एक साइड पे तुलसीदास भी हैं, दूसरी साइड जो निर्गुण भक्ति के संत हैं अगर आप बात करें जो कबीर हैं वो भी राम की पूजा करते हैं। तो अगर आप देखेंगे सगुण भक्ति में निर्गुण भक्ति में दोनों भक्ति में हमको राम एक रूप में दिखाई देते हैं। राम भक्ति काव्य धारा का दार्शनिक सिद्धांत क्या, देखो तुलसी से पूर्व राम की मधुर पाषाण विद्यमान थी, विशेष रूप से अग्रदास राम रसिक का एक सुव्यवस्थित संप्रदाय संगठित किया। उन्होंने कृष्ण भक्ति के गोलोक से भी अधिक वैभवपूर्ण संकेत और दिव्य अयोध्या का नित्य ललिता राम में, देखो कहने का मतलब है कि राम भक्ति जो थी भैया उसका दार्शनिक सिद्धांत है और तुलसीदास से पहले भी ये थी, ठीक है। ऐसा नहीं था तुलसीदास, देखो तुलसीदास कह सकते हैं कि राम भक्ति को विस्तार देने में, बढ़ाने में और भारत में राम भक्ति को फेमस कराने में इनका बड़ा नाम कह सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी है राम भक्ति, जो एक प्रकार से अगर आप लोग बात करोगे तो राम भक्ति पूरी तरह से लीला गायन है। राम भक्ति का लीला गायन मतलब समझते हो भगवान राम यानी राम भगवान के चमत्कारों को गाना कि भाई भगवान राम ऐसे चमत्कार करते ऐसे करते, लीला गायन उसी को बोलते हैं ना, लीला यानी भगवान राम के जो लीलाएं हैं, लीला मतलब समझते हो भाई भगवान राम कभी तीर मार करके समुद्र सिखाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भगवान राम का जो करेक्टर है अगर आप देखोगे कि उन्होंने कहीं पर शक्ति का प्रयोग नहीं किया, कहीं पर बल का प्रयोग नहीं किया, यानी एक प्रकार से दिव्य शक्ति का प्रयोग भगवान राम पूरी रामायण में अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी वो
कृष्ण तो हर जगह पर अपने सुदर्शन को छोड़ देते हैं, लेकिन राम जो है अगर आप देखोगे कहीं पर भी उन्होंने इसका, इसलिए लीला गायन, लीला गायन होता भगवान के चमत्कारी गुणों को जब गाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीला गायन। तो भगवान राम का भी लीला गायन रहा है। ब्रह्म के विषय में उनका मत है और विश्व स्वरूप ब्रह्म ही शरीर है। नहीं, काफी सब लोग भाई भगवान राम को ब्रह्म मानते, परम ब्रह्म किसको माना जाता है, भगवान राम को, और इनका भी लीला गायन है। निर्गुण संतों पर भी राम का खूब प्रभाव पड़ा भाई, सगुण भक्ति के भगवान राम जो सगुण भक्ति के संतों में रहे इनका प्रभाव, राम का प्रभाव भैया निर्गुण संतों में खूब रहा, जैसे कबीर, ठीक है, तुलसी ने निर्गुण और सगुण को विवाद को मिटाने का प्रयास किया है, और राम इतने बड़े हैं कि कह सकते कि सगुण भक्ति के संतों में और निर्गुण भक्ति के संतों में दोनों में हमें बराबर रूप से कह सकते हमें दिखाई देते हैं अगर आप बात करोगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें उनकी सगुण साधना निसंदेह निर्गुण संतों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। जिस प्रकार निर्गुण संतों ने गुरु के महत्व को बार बार बताया है उसी प्रकार राम भक्ति के कवि ने, विशेष रूप से तुलसी ने, श्री गुरुपद यानी गुरु के पद का भी बखान किया। यानी राम की भक्ति इतना ज्यादा है कि भैया सगुण भक्ति के संत और निर्गुण भक्ति के संत दोनों ने ही इन पर विशेष बल दिया है। निर्गुण संतों ने राम की महिमा का बार बार उल्लेख किया। भाई निर्गुण भक्ति के जो संत हैं वो भी राम की महिमा को खूब गाते हैं। राम कवियों के यहाँ का नाम स्मरण विशेष महत्व है। अनेक दृष्टियों में निर्गुण काव्य में का राम भक्ति धारा के कवियों में व्यापक प्रभाव पड़ा है। भाई निर्गुण भक्ति के संतों पर भी कह सकते हो कि राम भक्ति का जो प्रभाव है, राम का जो चमत्कार है, उन पर खूब पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम भक्ति धारा और आगमन और निगमन परंपरा, देखो अगर देखो राम भक्ति ने अपना आधार आगमन निगम परंपरा को ग्रहण किया। तुलसी ने आगमन निगम का उल्लेख किया काव्य को बार बार किया। वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत उपनिषद, अध्यात्म रामायण, शिवपुराण, भुसंडी रामायण, प्रसन्न राघव या रघुवंशम, इन सभी में अगर आप देखो भगवान राम के चरित्र को खूब गया। इसी प्रकार से अन्य राम भक्त कवियों पर भी ये प्रभाव देखा जा सकता है। समूची राम धारा में कह सकते कि राम भक्ति का प्रभाव खूब पड़ा, चाहे भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे, चाहे सगुण भक्ति हो चाहे निर्गुण भक्ति हो, दोनों में कह सकते राम रहे हैं। और राम कह सकते संस्कृत में भी हैं, हर जगह पर अगर आप देखोगे तो राम भक्ति रही है। और भारतीय संस्कृति में यानी हमारा जो कल्चर है उसके उनके उसके कणकण में कह सकते बसे हैं। और भक्ति आंदोलन में राम की भक्ति जो रही वो सगुण और निर्गुण दोनों संतों पर हम लोगों को बराबर दिखाई पड़ती है। सगुण भक्ति में धारा में राम को लोकनायक के रूप में, क्या लोकनायक, क्या लोकनायक मतलब समझते हो कि भैया ये लोग या जीवन का कल्याण करने वाले हैं। और भगवान राम के, राम को तुलसी के काव्य में राम के लोक रक्षक के रूप में माना गया है कि भैया भगवान राम जो है सभी की सुरक्षा करते हैं, क्या करते हैं, किंतु लोक रंजन व्यक्ति को उद्घटित के लिए करने के लिए मर्यादित श्रृंगार चेतना का कलात्मक उपयोग किया है। दूसरे अगर शब्द में कहूं, राम तुलसीदास को राम के शील भक्ति के सौंदर्य को समावित किया। यानी तुलसीदास कहते हैं भगवान राम में बहुत शील है, बहुत प्रसन्न है, हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और भगवान राम में सौंदर्य यानी सुंदरता बहुत है। वह सामाजिक मर्यादा के प्रबल पक्षधर हैं। भगवान राम जो भैया सामाजिक मर्यादा को मानते हैं, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए तो भाई तुलसीदास ने इनको क्या बोला, मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है। यानी क्या है कि इनकी जो मर्यादा है सबसे उत्तम है, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक प्रेम या कह लीजिए भाई के रूप में, पिता के रूप में, हर रूप में अगर आप देखोगे तो इनकी जो मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम, तभी तो उनको माना जाता है, ठीक है। लोक धर्म में उनके व्यक्तित्व को साकार उठा है। कोई भी ऐसा सामाजिक आदर्श नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व राम ना करते हो। भैया हर चरित्र में राम का चरित्र जो है वो सबसे बेहतरीन है, वो चाहे पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे बेटे के रूप में हो, चाहे राजा के रूप में हो, ठीक है, और चाहे भाई के रूप में हो। तो राम का जो चरित्र है वह सामाजिक आदर्श में कह सकते हो कि सबसे बड़े आदर्शवादी हैं। क्या हैं? आदर्शवादी हैं, इसलिए वह सही अर्थों में लोकनायक हैं। नहीं, भगवान राम ही सबसे बड़े लोकनायक हैं, क्योंकि पति के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, बेटे के रूप में, राजा के रूप में, हर रूप में कह सकते कि लोकनायक है, यानी सबसे बड़े नायक हैं।
यानी कह सकते हैं कि हीरो जिसे आप बोल रहे हैं, क्या है, रियल हीरो है अगर आप बोलोगे ना, हर रूप में एक ऐसे हीरो हैं कि जो हर चीज में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। वह केवल लोक नायक नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म है, यानी क्या है, वो स्वयं भगवान है, क्या है, परम ब्रह्म है। ठीक है, शुक्ल जी के शब्दों में, लोक में फैली दुख की छाप हटाने का मैं ब्रह्म का आनंद मधुरता प्रचंडता में गहरी आद्रता में लगी हुई है। ये विरोधी आकर्षण ही राम के युगों युगों के लिए लोकनायक के पद को प्रतिष्ठित कर देता है। तो भगवान राम का जो है वह युगों युगों तक कह सकते कि इस लोक परंपरा में जाने जाएंगे, और कह सकते राम जो है वह भैया संसार में फैला हुआ जो दुख है उसको समाप्त करने में उनका है। और भगवान राम लोकनायक ही नहीं बल्कि परम ब्रह्म है, और वो क्या है कि उनकी जैसी मर्यादा नहीं है, और उनके जैसा आदर्श यानी उनके जैसा करैक्टर कह सकते उनका जैसा चरित्र जो है वह किसी में नहीं, हर चरित्र में, और या रोल मॉडल जिसे आप लोग बोलते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम आपके रोल मॉडल है, क्या है, पूरी भारतीय परंपरा के कह सकते सबसे बड़ा नाम राम का नाम है। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते, इसीलिए तो आप देखो उनको लोकनायक के रूप में यानी हर कैरेक्टर में हर चरित्र में कह सकते बेस्ट है, बेहतरीन है, चाहे पति के रूप में, चाहे पिता के रूप में थे, या राजा के रूप में थे, या पुत्र के रूप में थे। ठीक है, ठीक है, राम की भक्ति है, सगुण राम भक्ति धारा में राम भक्ति का निरूपण है। देखो, राम काव्य भारतीय आंदोलन की उपलब्धि है। ठीक है, इसे भावनात्मक सांस्कृतिक एकता के रूप में देखा गया है। भक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए शुभ भक्ति का ज्ञान योग मार्ग श्रेष्ठ घोषित है। राम की मर्यादा को तुलसीदास ने स्वीकार किया है, दास भक्ति को बताया है, सेवक भाव बिनु भव ना तरी उरगरी। यानी देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं भाई मेरे कि तुलसीदास ने भगवान राम की भक्ति को विस्तारित किया है, और भगवान राम को अपना क्या मानते हैं, दास मानते हैं, और भगवान राम को कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके जैसा कोई नहीं है। यानी राजा के रूप में सबसे श्रेष्ठ है, पिता के रूप में सबसे श्रेष्ठ है, और राम राज, इसीलिए तो हमारे देश में तुम सबने देखा ना कि कोई भी भैया हमारे देश में सरकार आती है, हर सरकार कहती है कि भैया हम राम राज लाने वाले हैं, राम राज चल रहा है, शब्द तुमने बहुत सुना होगा राम राज। आखिर राम राज क्या है? राम राज यही है कि राम ने जैसा राज्य चलाया है उस प्रकार के राज्य बनाने की लोग बात करते हैं। भगवान राम के जैसा राज्य था, यानी भगवान राम ने जैसे राज्य को चलाया, जैसे उन्होंने स्टेट को चलाया, उस प्रकार से राज्य चलाने की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही, भगवान राम की अगर हम बात करें। ठीक है, और राम भक्ति जो है वह भक्ति आंदोलन में और सगुण भक्ति में भरी हुई है। अगर आप लोग बात करेंगे सगुण राम काव्य धारा में भाव सौंदर्य क्या है, देखो भगवान राम का जो भाव है और भक्ति राम भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके भाव, उनकी अनुभूति और उनके राम भक्ति कवियों में मनोहर और रसानुकूलन अभिव्यक्ति का प्रदान किया है। राम भक्ति काव्य रसिक धारा के कवियों के साथ साथ सिंगार को भी, यानी भगवान राम को भी कह सकते हो भैया, जो लोग सिंगार गाते हैं, जो लोग प्रेम गाते हैं, उन लोगों ने भी भगवान राम को गाया है, और जो लोग भाव के गाते हैं उन लोगों ने भी भगवान राम को खूब गाया है। तुलसीदास का भाव सौंदर्य सचमुच अद्भुत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव और व्यवहार तक है। एक और वह व्यक्तित्व की साधना के मार्ग पर विराग पूर्ण शुद्ध भागवत का उपदेश करते हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष के हैं, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं, और दूसरी तरफ भगवान राम के व्यवहार को सभी लोग माने, राम के जीवन का आचरण करने का लक्ष्य कहते हैं। शुक्ल जी मानते हैं कि राम कोई प्रमाणिक चरित्र के द्वारा जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं। वह काव्य को सम केवल यानी भगवान राम के चरित्र को जीवन को लोग माने, ठीक है, उन्हें कहीं भी काव्यात्मक चमत्कार को गरिमा अतिक्रमण नहीं करती, यानी भगवान राम को चमत्कारिक रूप में नहीं बल्कि लोक मार्मिक के रूप में दिखाया है। मार्मिक स्थलों पर ना रम करके केवल केशव चमत्कार का प्रदर्शन पर केंद्रित रहे बल्कि रामचंद्र का वह भाव सौंदर्य प्राप्त नहीं होता है जो तुलसी ने सहज लिखा है। यानी भगवान राम को लेकर के उन्होंने बताया है कि भगवान राम चमत्कारिक नहीं बल्कि हमारी जो लोक रंजना है और आम लोग उनके जीवन को चरित्र को धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आम लोग जीवन में राम को उतारें और राम जैसा चरित्र जो है आम लोग भी उसको धारण करें। सगुण काव्य धारा में
यानी अव्यंजना सौंदर्य क्या है। अव्यंजना सौंदर्य वैसे बहुत ज्यादा आता नहीं है, इसमें एक चीज और आ सकता है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो अगर रहेगा तो मैं बता दूंगा, वैसे इसमें है नहीं। देखो एक चीज मैं बता दूं, इसके अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बनेगा। देखो या तो आपसे राम भक्ति पूछेगा, भक्ति आंदोलन में राम भक्ति को स्पष्ट कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, या भक्ति आंदोलन में राम भक्ति पर प्रकाश डालिए, इस टाइप से आ जाएगा, या भक्ति आंदोलन में राम भक्ति के को बताइए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पर देखिएगा भाई, ठीक है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है। देखो सबसे पहले भक्ति आंदोलन और सगुण भक्ति, ठीक है, जैसे आपसे पूछा सकता है कि राम भक्ति सगुण भक्ति कैसे है या निर्गुण में कैसे है, तो भाई सगुण भक्ति वाले भी राम को मानते हैं, जैसे राम भक्ति और राम लोक नायक के रूप में कैसे है राम भक्ति में, तो भाई उनको लोक नायक यानी हर करेक्टर में हर चरित्र में राम सबसे बेस्ट है, सबसे बड़े हीरो हैं भाई, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक राजा के रूप में, ठीक है, एक भाई के रूप में, सब में बेस्ट बेहतरीन है। और राम भक्ति जो हर भक्ति आंदोलन खूब रही उनका, यानी सभी लोगों ने भगवान राम के भाव को लिखा है, यानी क्या है कि भाई उनके भाव को ग्रहण कीजिए, धारण कीजिए, ठीक है। और भगवान राम की भक्ति को लेकर के भाई किन किन लोगों ने लिखा है, यानी कौन कौन से संत हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या बोला, जो कुछ भी आपको एग्जाम में पूछा गया राम भक्ति को लेकर के, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। तो ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा कुछ आ जाएगा आप लोग बता नहीं पाएंगे, जो जो चीजें मैंने बताई हैं आपके पेपर में यही आएगा, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनोगे ना तो आपको लिखने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। बस सिर्फ क्या है कि आप लोग लिखना सीख लीजिए, उससे आपका ना पूरे अच्छी तरह से जो पेपर होगा, जो आपका एग्जाम होगा ना, वो आपका आराम से हो जाएगा, उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेपर अच्छे से लिखिए, पेपर बेहतरीन लिखिए, टेंशन मत लीजिए और आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने 6 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, आप लोग वो 6 चैप्टर भी जाकर के जरूर पढ़ लो, उससे का आपकी बहुत सारी हेल्प होगी, मदद होगी भाई। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति पढ़ लिया हम लोगों ने, राम भक्ति, अगला जो चैप्टर होगा ना हम लोगों ना सगुण भक्ति में हम ज्ञान मार्गी पढ़ेंगे और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा, क्योंकि जो सगुण भक्ति के सगुण भाई अगला रहेगा निर्गुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति दो प्रकार की है, एक तो ज्ञान मार्गी है और एक है प्रेम मार्गी। भाई निर्गुण भक्ति वाले संत जो कहते हैं कि निर्गुण भक्ति में कोई कहता कि भाई भाई मैं भगवान को प्रेम के जरिए प्राप्त कर लूंगा, यानी भगवान को प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। और उसी निर्गुण भक्ति में कुछ ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि भगवान को भैया यानी ज्ञान के जरिए प्राप्त किया जा सकता है, यानी इतना ज्ञानी हो जाओ, इतना ज्ञान अर्जन कर लो कि तुमको ज्ञानी वही होता, ज्ञान मतलब ये होता भाई हिमालय पर चले जाओ और तपस्या करो और तुमको भगवान के दर्शन हो जाए, ये है ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी क्या है भाई, प्रेम मार्गी भगवान के गीत गाओ, भगवान के भजन गाओ, भगवान को प्रसन्न करो, ठीक है, प्रेम के जरिए भाई मैं आपसे भगवान मैं बहुत प्रेम करता हूँ। यानी जो सगुण निर्गुण सॉरी निर्गुण जो भक्ति है वो दो प्रकार की है, एक प्रेम मार्गी जो भैया प्रेम के जरिए भगवान को पाना चाह रहा है, और दूसरा है कह सकते हो कि ज्ञान मार्गी, जो लोग ज्ञान के जरिए नॉलेज के जरिए पढ़ लिख करके विद्वान बन के भगवान को प्राप्त करेगा, और दूसरा ज्ञान के जरिए, एक लोग ज्ञान के जरिए और दूसरा लोग भैया प्रेम के जरिए। जैसे यहाँ पर राम भक्ति थी और कृष्ण भक्ति थी, वहां पर ज्ञान मार्गी होगी और प्रेम मार्गी होगी। अगले हमारे 2 चैप्टर होंगे, पहला होगा शायद मुझे लगता है ज्ञान मार्गी होगा, और फिर होगा जो असमा प्रेम मार्गी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, जो 8वां और 9वां चैप्टर होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाकी भी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, बाकी भी चैप्टर को जाकर के आप चैनल पर जरूर पढ़ सकते हैं। 7वां चैप्टर समाप्त हो गया, अगला 8वां जो चैप्टर होगा उसकी क्लास में आप सबको कल पढ़ा दूंगा, ठीक है, ओके ओके।